सो हेलो गाइस माय नेम इज अखिल दीक्षित फ्रॉम क्लास सेवन स्कूल पी जी डी एस यू एम फ्रॉम वृंदावन सो गाइस आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री चैप्टर थर्ड क्लास सेवन्थ हिस्ट्री चैप्टर थर्ड द दिल्ली सुल्तान्स ओके गाइस द दिल्ली सुल्तान्स के हम ट्वेंटी एम सी क्यू पर डिस्कशन करेंगे हमारे पास ज़्यादा नहीं है सभी के लिए ट्वेंटी और बाद में बताएंगे ओके okay, गाइस तो गैस शुरू करते हैं वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट कीजिए ओके गैस तो गैस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है द लोडी डायनेस्टी गैस मुझे नहीं पता इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है इस्टैब्लिश्ड है जहाँ तक ठीक है गैस इस्टैब्लिश्ड लोडी डायनेस्टी इट मीन्स हु इज़ द फर्स्ट रूलर ऑफ लोडी डायनेस्टी ठीक है ऑप्शन सुन लीजिए बाहुल सिकंदर लोडी या बोथे एंड भी या इब्राहिम लोडी गाय फिर से सुन लीजिए बाहुल लोडी सिकंदर लोडी दोनों बोथे एंड भी या इब्राहिम लोडी गायज आप सोचिए गए वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब ज़रूर करना इस वीडियो का टारगेट है वन वो सॉरी हंड्रेड मिलियन सॉरी गाइस सॉरी हंड्रेड लाइक्स ओके गाइज तो गाइज आई होप आपको आंसर आ गया होगा इसका आंसर सिंपल है बाहुलोड़ी इट इज़ वेरी इजी आपको आना चाहिए या आप लिख लीजिए ओके गाइज लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु वर द ऑथर्स ऑफ तवारिक तवारिक के ऑथर्स कौन थे ऑप्शन ए लर्नमैन सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्टर्स पोइट एंड कॉडियर या ऑल ऑफ दिस गाइज वैसे सुन लीजिएगा तवारिक के ऑथर्स कौन थे लर्न मैन या बी सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्टर्स पोइट एंड कॉर्टियर या ऑल ऑफ दिस ओके गाइस तो गाइस तो आप सोचिए तब पे वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए तो गैज़ आई होप आपको आ गया हुआ ये वेरी इजी क्वेश्चन है तो गाइज़ जो अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा तवारिक एक बुक है जो तवारिक बोली तवारिक प्लूरल में होती है तो गैज इसका आंसर होगा लर्न मैन भी इसी लिखते थे ओके गैज पढ़े लिखे लोग और सेक्रेटरीज और एडमिनिस्ट्रटर्स भी लिखते थे एंड पोइट्स एंड क्विटियर भी लिखते थे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज कल वीडियो को लाइक कीजिए आप लाइक नहीं करते हो बस देख के चले जाते हो तो कल लाइक ज़रूर कीजिए नेक्स्ट है हु वॉज उलेमा उलेमा कौन है आ स्लेव परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस अ रूलर अ स्कॉलर ऑफ इस्लामिक लर्निंग या एन इन्वेडर एक बार फिर सुन लीजिए हु वॉज उलेमा उलेमा स्लेव परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस अ रूलर और इस्कॉलर ऑफ़ इस्लामिक लर्निंग एंड इन्वेडर गैज आप सोचिए तब तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर आपको आता है तो गैज आप कमेंट बॉक्स पर डाल देना आंसर ओके गैज तो गैज इसका आंसर होगा सिंपल ही से इसका आंसर होगा गैज आपको आता है तो जल्दी से बताइए तो गैज मैं ही बताता हूँ आई होप आपको आता होगा इसका आंसर है एंड इसको स्कॉलर ऑफ इस्लामिक लर्निंग बस नेक्स्ट क्वेश्चन अ फोर्टीफाइड सेटलमेंट विथ शोल्डर्स इज कॉल्ड फिर से सुन लीजिए अ फोर्टीफाइड सेटलमेंट विथ शोल्डर्स इज कॉल्ड इंटरलैंड गैरसन टाउन मैन से भी अन ऑफ दिस फिर से सुन लीजिए इंटरलैंड गैरसन टाउन मैन से भी अन नन ऑफ दिस तो बस इसका आंसर सिंपली से गैरसन टाउन होगा क्योंकि जो अलाउद्दीन गलजी थे ना बनवाया था सोल्डर्स के लिए गैस टाउन बस अगर आपको आता था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए मुझे आता था बस अब गै हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिफ्थ बस दिल्ली फर्स्ट बिकेम ऑफ द कैपिटल किंगडम अंडर गज़ ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, है। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर गैज़ आप ये लिख लीजिए इट इज़ वेरी इजी गाय इट इज वेरी इजी ठीक है बाज़ दिल्ली फर्स्ट बिकेम ऑफ द कैपिटल किंगडम अंदर तुम्हारा राजपूत चौहान से चामनास चंदेल से आनंगा पाला फिर ये सुन लीजिए हमारा राजपूत चौहान चंदेल्स या अनंगापाला पाला गाय जब सोचिए आपको आता है तो कमेंट बॉक्स पर डाल दीजिए और तब तक लाइक कर दीजिए अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए गैज आई होप आपको आता होगा इट इज़ वेरी इजी इट इज तोमर राजपूत ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कुतुबा इज अ सरमन ड्यूरिंग डैश प्रेयर इन मॉस्क्यू गाइस ये जो मॉस्क्यू होता है इसे अरेबिक वर्ड्स में मस्जिद बोला जाता है तो इसके फोर ऑप्शन है मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कुतबा एज अ सरमन ड्यूरिंग डैश प्रेयर इन मॉस्क्यू गैज इसका ऑप्शन है मंडे ट्यूसडे थर्सडे या फ्राइडे गैज आप सोचिए फिर मैं बताऊँगा अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए बाई इसका बहुत ही क्वेश्चन है आई होप आपको आता होगा इसका आंसर है फ्राइडे तो ये गए जो मुसलमान थे वो फ्राइडे को ही पढ़ते थे अपनी प्रेयर फ्राइडे को ही करते थे वेस्ट की साइड में फेस उनका वेस्ट की साइड में होता था तो इसलिए गए फ्राइडे नेक्स्ट क्वेश्चन तोमाया राजपूत वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द ट्वेल्थ सेंचुरी बाई फिर तो से सुन लीजिए तोमाया राजपूत वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द ट्वेल्थ सेंचुरी बाई आंसर है चौहान्स थमर्स बोथे एन बी या फिर सुन लीजिए चौहान्स थॉमर्स बोथे एंड बी या तुगलक, तुगलक। गाइस तब तक आप सोचिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जाए ज़्यादा से ज़्यादा गाइस इसका टारगेट है वन हंड्रेड गाइस आपको आता होगा, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन सो इसका आंसर होगा चौहान चौहान्स इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट राजपूत रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनेट वॉज लास्ट राजपूत रूलर दिल्ली सुल्तान में कौन था तोमर राजपूत अनंगा बाला पृथ्वीराज चौहान एंड नन ऑफ दीज गायब फिर से सुन लीजिए तोमरा राजपूत अनंगा पाला पृथ्वीराज चौहान या आप सोचिए अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए गाइस का सिंपली से आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान गाइस मैं बोर नहीं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ गैस आप लोग सोच रहे हो मैं बोर कर रहा हूँ बस कमेंट कमेंट कर रहा हूँ गैर मैं सिंपारी से बता रहा हूँ इसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान गैस अगर आपको नहीं देखना तो मत देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द फाउंडर ऑफ खल डायनेस्टी वॉज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी डाइनेस्टी खल्जी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे पृथ्वीराज चौहान जलालुद्दीन खल्जी अलाउद्दीन खल्जी या नन ऑफ दीजिए फिर से सुन लीजिए द फाउंडर ऑफ खल्जी डायनेस्टी पृथ्वीराज चौहान जलाउद्दीन खलजी अलाउद्दीन खलजी एंड these. So सो गैस इसका आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में डालिए अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए गज अगर आपको नहीं आता तो गज सोचिए गज लाइक कर दीजिए सो गैज़ आई होप आपको आता होगा इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन तो इसका है जलाउद्दीन खलजी गैस जलाउद्दीन खलजी बने थे उसके बाद अलाउद्दीन खलजी तो गैस सिंपली से आंसर होगा जलाउद्दीन खलजी गैस नेक्स्ट गैस अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम गलती लगती है तो आप कमेंट में सिंपली से आंसर कर देना नेक्स्ट स्पेशल स्लीव परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस वर कॉल्ड स्पेशल स्लेव परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस वर कॉल बंदगन क्वाजी बोथ ए एन बी या फौजदार फिर से सुन लीजिए ऑप्शन बंदगन बोथ ए एन बी या फौजदार बस सिंपल से बहुत इजी है आपको आता होगा ओके गाइस सो गाइस इसका आंसर देखते हैं आई होप आपको आता होगा इसका आंसर है बंदगन बस अगर आपको उसके सारे आंसर आते हैं बस अच्छे से अगर आप देखिए जैसे सारे आंसर आते हैं तो आप लिखिए मी इज़ फर्स्ट कमेंट में लिखिए मी इज फर्स्ट बस ध्यान से सुन लीजिए मी इज फर्स्ट ये कमेंट में लिख देना मी इज़ फर्स्ट बस सेकंड क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ रुद्रमा देवी ये जो रुद्रमा देवी थी इनका टाइम पीरियड क्या था बस आप सोचिए फिर मैं बताऊँगा गज़ अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको आता होगा ये बहुत इजी क्वेश्चन है गज़ अगर आपको नहीं आता वैसे सोचिए अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए गज़ इसका आंसर होगा मैं बता दूँ आयोग आपको आता होगा इसका आंसर होगा ट्वेल्थ सिक्सटी टू से गैस सॉरी सॉरी सिक्सटी टू से ट्वेल्व एट्टी नाइन ट्वेल्व सिक्सटी टू से ट्वेल्व एटी नाइन गैज़ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ खर्च वादा टाइप ऑफ टैक्स ऑन इजो खर्ज वाला टाइप ऑफ टैक्स ऑन गैज इजू खरज वादा टाइप ऑफ टैक्स ऑन गैज़ मैंने बुक से बनाया है पर ये अच्छे से समझ में नहीं आया था गैस शायद थोड़ा सा गलत हो ओके गैज़ तो इसका ऑप्शन देख लीजिए इनकम कैटल ट्रेड या कल्टिवेशन फिर से सुन लीजिए ऑप्शन इनकम कैटल ट्रेड या कल्टिवेशन नोट डाउन कर लीजिए गाइस नोट डाउन कर लीजिए ली अगर नहीं आते आपको जिस जिसको आते हैं वो कमेंट में लिखे मी इज फर्स्ट ज इसका आंसर होगा कल्टिवेशन आई होप आपको आता होगा वैसे गाइज इट इज वेरी हार्ड ये हार्ड क्वेश्चन है इट इज़ वेरी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था जियासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक फिरुद शाह तुगलक या नन ऑफ दिस फिर से सुन लीजिए जियासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक फिरोज शाह तुगलक या नन ऑफ दिस से कोई नहीं बस बताइए इसका आंसर आई होप आपको आता होगा अगर आता है तो कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए नहीं आता तो गाइस सोचिए मैं अभी बताऊंगा गाइस आई होप आपको आता होगा सिम्पल ही से इसका आंसर होगा फिर शाह तुगलक फिरुद शाह तुगलक नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया गाइस अब नेक्स्ट की बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस विध सुल्तान विद सुल्तान वाज नॉट वाल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन में कौन सा सुल्तान नहीं था बस ऑप्शन सुन लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक बलबन फिरोज शाह तुगलक या अलतुतमश फिर से सुन लीजिए कुतुबुद्दीन एबक बलबन फिर उच्चा तुगलक अलतुतमिश आए आप सोचिए अगर आते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए कि फोर्टीन का आंसर फिफ्टीथ का आंसर जो आता है उसका लिख दीजिए इसका सिंपल ही आंसर होगा देखिए गैस ये जो कुतुबुद्दीन एबक थे तो कुतुबुद्दीन के एबक से ही कुतुब मीनार बनाया है तो आज़ ये तो होगा ही होगा ठीक है गाइज सेकेंड है फिर उज तुगलक ये भी थे तो थे इल्तुतमिश ने भी बनवाया था तो आज ये तीनों तो बचा ये, तो आंसर इज दिस हमारा बल्बन बल्बन, बल्बन इज़ द राइट आंसर ओके गाइज तो इसका आंसर हो जाएगा बल्बन गाइज ध्यान से सुन लीजिए बल्बन नेक्स्ट क्वेश्चन इबन बटूटा वाज अ ट्रेवलर फॉर्म फिर से सुन लीजिए इबन बतूता वॉज ट्रेवलर फ्रॉम ऑप्शन सुन लीजिए मोरक्को ईरान तर्के या सिंध फिर से सुन लीजिए मोरक्को ईरान तर्के या सिंध वैसे सिंपल सा आंसर हो जाएगा और आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और नहीं आता है तो इसका आंसर होगा मोरक्को गज़ मोरक्को गज़ आप कमेंट बॉक्स में चीटिंग ना कीजिएगा आप सिंपली से लिखिएगा अगर आपको सारे के आते हैं तो मी इज फर्स्ट नेक्स्ट वॉट वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान वॉट वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान ऑप्शन सुन लीजिए उर्दू पर्शियन चाइनीज या इंग्लिश फिर से सुन लीजिए उर्दू पर्शियन चाइनीज या इंग्लिश इसका आंसर वो सिंपल से इसका आंसर अगर आपको आता है तो अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए गैस इसका सिंपल से आंसर होगा पर्शियन गैस तभी तो तवारीफ भी पर्शियन में ही लिखी गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है हमारा हु इज़ द फादर ऑफ रजिया गैस इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन इट इज़ वेरी इजी गैज़ रजिया के फादर कौन थे गैज़ यहाँ पे पहला है पृथ्वीराज चौहान बाहुलोड़ी, लोडी या फिरुद शाह फिर से सुन लीजिए पृथ्वीराज चौहान बाहुल लोडी इल्तुतमिश या फिर फिरो तुगलक गाइस ये तो सबको था होगा इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन तो मैं बता ही देता हूँ इसका आंसर होगा इलतुतमश अल्तुतमिश ऐसे नोट डाउन की कर लीजिएगा अगर आपको नहीं आते हैं तो नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ स्टैंडिंग फेसिंग मेक्का ड्यूरिंग द नमाज इज नोनेस फिर से सुन लीजिए द पोजीशन ऑफ स्टैंडिंग फेसिंग मेका ड्यूरिंग नमाज इज नोनेस क्विबला नोटा उत्तर या खरज फिर से सुन लीजिए क्यूबला, नोटा उत्तर या खरज इसका आंसर का सिंपली से अगर आपको आता है तो बस कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए बस आता है तो कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए अगर लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए आंसर होगा किबला यस किबला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हु वॉज एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोवर्ड बाई द ग्रेट एम्प्रेयर अकबर हु एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बिकेम द मॉडल फॉलोव बाय द ग्रेट एम्प्रेयर अकबर ठीक है ऑप्शन सुन लीजिए पृथ्वीराज चो, पृथ्वीराज चौहान तोमर शेरशाह सूरी या अलाउद्दीन खिलजी फिर से सुन लीजिए पृथ्वीराज चौहान तोमर शेरशाह सूरी या अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे मिस्टेक है यहाँ पे आएगा खिलजी तो गाइस गैस अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए मैं इसका आंसर होगा सिंपली से मैं बता देता हूँ शेरशाह शाह सूरी गैज़ बहुत ईजी है अगर आपको नहीं आते तो नोट डाउन कर लीजिए बार बार कहना नोट डाउन कर लीजिए ज़ हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा हु वॉज द फर्स्ट लिव किंग ऑफ द दिल्ली हु वॉज द फर्स्ट लिव किंग ऑफ द दिल्ली गज़ इसका आंसर आपको कमेंट में देना मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर गैस ज़रूरी नहीं है ये ये और ये और इन चारों में से हो अकबर शेर शाह इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी में से हो इसका आंसर कोई अलग भी हो सकता है डिफरेंट ओके okay, गैज़ डिफरेंट भी हो सकता है गाइज आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा गज सीक्रेट है गज मैं भी बताऊंगा कमेंट में बाद में ठीक है गज आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फिर से सुन लीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट तो जरूर कीजिएगा गाइस ध्यान रखना टारगेट है हंड्रेड